वल्लभ भाई पटेल के नाम से मूर्ति लग सकती है, तो महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से क्यों नहीं डाक टिकट का जारी करते? राजभर लिखने में कोई क्या ऐतराज है? इन विवाद पैदा करने के लिए इनके पास समय है। ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाया करते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो उसके साथ रहेंगे, नहीं चाहेगी तो 80 सीट पर हम अपना चुनाव यूपी में लड़ेंगे और 16 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी तैयारी में लगे हैं, हम 80 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अगर ये लोग लायक होते, सपा बसपा के नेता लायक किए होते, ईमानदारी बरते होते, गरीबों के साथ न्याय किए होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। पार्टियों को जब वोट दे के सरकार बना दे रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद पार्टियों का ध्यान उनकी तरफ न हो करके उनके दिमाग को भटकाने के लिए तरह तरह के, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमा देते हैं, तो कभी हिंदू मुसलमान की चर्चा कर देते हैं, तो कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं। तो इसी तरह का तमाम तरह की बातें करके उनका ध्यान हमेशा भटकाने की कवायद होती रहती है। इंसान को बांट करके ऊंच नीच नफरत तगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान करके राजनीति की गई। अब जब उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो अब भगवान को बांटने की कवायद शुरू हो गई है। कौन बांट रहे हैं मंत्री? अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि हनुमान जी दलित थे, तो हमने तो पूछा कि भाई शंकर भगवान, विष्णु भगवान, भगवान राम, ये लोगों के भी जो 26 भगवान धरती पर उतार लिए हैं, इनकी भी आप जाति बता दो कि ये लोग कौन थे, इनका भी बता दो, ताकि सबको समझ में आ जाए कि नहीं ये किस कैटेगरी के लोग हैं, किसके साथ रहेंगे, किसकी मदद करेंगे। तो ये भगवान को बांटने की जो साजिश है ये गलत है।